मेरी जीन मेरी जान प्राण 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 वहां जाएंगे पिंडी जाएंगे वापस कैसे आओगे पिंडी भी जाओ पिंडी भी ये दिल क्या है तुम्हारी अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो क्या चल रहा है आजकल है, जैसा कि आपको पता है आप दोस्तों के साथ इस्लामाबाद आए हुए हैं। तो आज का हमारा जो प्लान है वो ये है कि आज हम एबटाबाद को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो फिर बस जल्दी से तैयार होते हैं और बगैर किस चीज़ का इंतज़ार किए आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। भाई साहब सारे लड़के हमारे उड़ गए, बस तैयारी करें निकलने की, बस तैयार वगैरह होते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। यो भाई फाइनली आपको भाई हो चुका है तैयार और हो चुके हैं माशाल्लाह, कितने खूबसूरत बने हुए बिलाल भैया, नमाज पढ़ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह जी। यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स कौन से हैं जहाँ आप जा रहे हैं अभी? पहले नाश्ता करेंगे, पहले नाश्ता करेंगे जानू भट्ट पे, ठीक है फिर निकले जानू भट्ट पे यार मशहूर जगह है। क्या बात है सर। भाई साहब अब्दुल्ला भैया मैं लेकर आ गए हैं जानू भट्ट पे। जानू भट्ट का ये कह रहे हैं कि नाश्ता बड़ा अच्छा है। भाई साहब नाश्ता अपना आ गया, हाशिम भाई ने तो अपनी हलवा पूरी मंगवाई है, इनको ट्राई करते हैं और देखते हैं भाई साहब कैसा है। मजेदार नाश्ता हो गया, कैसा लगा आपको इनका नाश्ता? कितना पसंद आ गया आप अपना आज के सफर पर मतलब मैंने ज्वाइन किया है, हमारे साथ जाएंगे पिंडी जाएंगे वापस कैसे आओगे पिंडी भी जाएंगे। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? नहीं असल में ना ये भी हमारे तुमने घर बताकर आया कि मैं नहीं लेने जा रहा हूँ, हमने कह दिया बता दिया उसको की अब नहीं लेने जा रहे हैं, चलते देखा जाएगा मेरा प्लीज। मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई साहब फाइनली तो हम पहुंच चुके हैं हनोई अम्यूजमेंट पार्क, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है भाई यार, चलो देखते हैं निकल के यहाँ पे क्या क्या है। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं इस खूबसूरत वादियों में, आप देख सकते हैं भैया बिलाल भाई लेकर आए मेरे गिलास में, शुक्रिया बिलाल भाई आपका, ठीक है ना? मुझ पर कैसी लग रही मुझे नहीं पता, बहुत बड़े ब्लॉगर हैं और मैं आपको बहुत बड़ा फैन। चुप कर बे कुत्ते, सेल्फी जैसे आ जाए ये आप छोड़ लीजिए यार। एक बात तो कहना पड़ेगी कि आप जितने चाहे बड़े हो जाओ लेकिन जो मज़ा आपको अपने स्कूल के बचपन के दोस्तों के साथ आता है ना वो आपको कहीं और नहीं आता। लोगों के साथ हमने लंगोटियाँ चेंज की है तो जो इनके साथ हमारी वाइफ बनती है ना वो किसी और के साथ नहीं होती। बात तो सही है। हमने प्लान किया कि हम कश्ती में बैठने लगे और इस कश्ती का मजा बड़ा आता है भाई साहब। इसमें कोई सेफ्टी नहीं है ना, जॉयलैंड वाली सेफ्टी की, मैंने कहा खुद ही होल्ड करना है, आपने उड़ा देना आपको। तो भाई हम प्यार है इंशाल्लाह बच जाएंगे, अल्लाह का नाम लेंगे और इंशाल्लाह बैठ जाएंगे बस। अच्छा यार वे सारे सबसे पीछे बैठेंगे, सबसे पीछे मस्त प्लान है, हिम्मत करके हमने सबसे आसान में आ गए। रियान अच्छा हम अभी इतना पीछे नहीं भाई यहाँ तक ही है। ₹200 दे और ₹50 कट ओवर एक्टिंग के बजाय। आज भाई साहब नाश्ता करके आए थे ना तो सारा खाना यहाँ तक आ रहा है, ये बहुत तेज था और इसने हमारी तबीयत ना थोड़ी सी आवाज आर कर दी, बहुत तेज था। यहाँ से आप व्यूज चेक करें झील का के, देखिए इतनी तेज रफ्तार है पानी की। भाई साहब यहाँ पे इंजॉय कर लिए और हम जाए लगे मानसेरा, ठीक है ना? मानसेरा का दोस्त है बिलाल का जानने वाला चाइना वाला, उसके पास जा रहे हैं, वहाँ पे दावत भी है दोपहर खाना भी है, करके देखते हैं हम आपको थोड़ा मानसेरा जो है वो एक्सप्लोर करा देंगे। एबटाबाद हमने कर लिया जितना थोड़ा बहुत, हमारे पास हमें टाइम की कमी है। ठीक है समरिया। A few moments later. ये सारी मानसेरा की जो है छोटी सी मार्केट है और इस मार्केट को हम देख रहे हैं और ये है इनकी शॉप। मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही कि ये दुकान इसकी है या हमें लेकर आया है। मुझे लग रहा है इसी की है। इसी की है
ही नहीं है मेरे ख्याल में। खास वो देखो बिलाल की काम मुफ्ता देखते ही बिलाल बिलाल को चीजें दिला रहे हैं। माशा बिलाल भाई के जो दोस्त हैं उन्होंने बहुत कमाल किस्म का प्रोटोकॉल दिया। बिलाल जी पकड़ में आ गए, देखो मुझे प्रोटोकॉल मिल रहा है। ये अब्दुल्ला क्या है तुम्हारी जान है। माशाल्लाह मार भाई की तरफ से हमें बहुत अच्छा किस्म का नवाजा गया है। बस अब यहाँ से नमाज वगैरह पढ़ रहे और हमारा प्लान बन रहा है वो बालाकोट जाने का बन रहा है। बस बालाकोट चलते हैं, देखते हैं हमारे भाई हैं कैसे हैं। आप ठीक है? अभी आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मेहमान नवाजी दी है। नहीं नहीं आपका बड़ा फन है। तो भाई साहब हम निकलने लगे हैं बालाकोट के लिए। अब्दुल्ला भाई बालाकोट में क्या है? चप्पी कबाब भी मिलने लगी। अच्छा मैं नहीं मानता। बिलाल भाई कैसे लगे आपको यहाँ के व्यूज? एक नंबर। पैसे पूरे हो गए? यहाँ पे ताज़ा पानी है जो पहाड़ों के बीच में से आ रहा है, इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं। इब्राहिम भाई कैसा लगा है पानी? बहुत लेवल का। चेक करो, हम भी चेक करें, चश्मे वाला पानी चेक करें, दिखाइएगा जरा हाशिम भाई, रिव्यू करें पानी। अच्छा यार ताज़ा पानी, ताज़ा पानी है, ग्लेशियर का पानी है मेरे भाई। आप कैसे कर दे मजेदार भाई साहब। ये दरिया देखिए आप शुरू हो चुका है और सुनने में कि दरिया हर साल अपना रुख चेंज करता है और इस दफा ये यहाँ पे आया है। तो अपने लड़के और पीछे वाली गाड़ी में आ रहे हैं, चेक करें यार क्या व्यू है मेरा, खूबसूरत होती है। ये जो है बालाकोट का ये मेन व्यू जो हमें भाई लेके आए और आप चेक करें कि यहाँ पे दरिया चल रहा है और ये दरिया कितना तेज चलता हुआ आ रहा है, चेक करें यार। और वहाँ पे आप देखिए पानी की सतह लिखी हुई है कि वो पानी जो है वो कितनी ऊपर सतह तक जाता है यहाँ पे, ये चेक करें, मतलब 15 फुट क्रॉस कर जाता है, इतना तेज़ पानी का फ्लो होता है भाई बता रहे हैं। अभी जो पानी का फ्लो है वो इतना तेज़ नहीं है क्योंकि अभी जो सावन बादल का जो महीना अभी वो स्टार्टिंग है, अभी शुरू हुआ है। तो हमारे जो अब्दुल्ला भाई हैं गाड़ी में बैठे हुए, अब्दुल्ला भाई आपको शौक नहीं है ये नेचर देखने का? मैं इतनी दफ़ा आया हूँ जिगर, इतनी दफ़ा क्योंकि इस बंदे के लिए यहाँ की जगह रोज की है। ये भाई कुछ बताएं आप ये हम मेरी ऑडियंस को इस दरिया के बारे में। अरे अरे आओ क्या, अरे शर्मा गई। तो भाई साहब बालाकोट में हमें देख लिया, टाइम थोड़ा कम था तो इसलिए हमने इतना देखा है। अब हम निकल लगे खाना खाने की तरफ। A few moments later. भाई साहब जो अभी का मिशन है इतनी बड़ी प्राड़ो और इतना सा रास्ता, क्या ये निकल पाएगी? गाड़ी निकल गई है पर अब देखो क्या गाड़ी निकल पाएगी। ओ भाई साहब समझ से बाहर है रास्ता, लेकिन हमारे जो ड्राइवर है सनी भाई बहुत एक्सपर्ट है, देखना रहेगा सनी भाई निकल पाएंगे निकल पाएंगे। गुड वन, आउटस्टैंडिंग, असंभव असंभव। हाँ तो फाइनली अब पूरा दिन टूर करने के बाद हम आ चुके हैं अदील अहमद के चपली कबाब, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ के जो बालाकोट के चपली कबाब है बहुत मशहूर होते हैं। फाइनली अपने कबाब आ गए और ये मोस्ट हाइप कबाब है, चपली कबाब कहते हैं, चेक करते हैं देखते हैं कैसे। मजेदार तेरी बारी लगी हुई है। अरे बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो रन, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दी। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, कैसा लगा आपको खाना खा? तो भाई साहब हमारा सही भाई के साथ नहीं करते हमारा सही भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके यार, बहुत मजा आया आपके साथ। ठीक हो गया, ओके हो गया यार, आपके साथ यार ये होनी थी जुबान हो गए तो भाई, बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया, मजा आया। बस अब इन लोगों के साथ यहाँ तक सफर था, अब हम निकाले लगे पिंडी के लिए, लोगों ने मोटर पर चढ़ा दिए, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे उसकी। और आज कल लोग यहीं पे खत्म करते मिलते हैं इंशाल्लाह, कल तक के लिए लाफ़ और पीस आउट।